स्वाभाविक है पहल उन्होंने अगली लाइन भी कही कि पहल मुसलमानों को करना है लेकिन हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे सबूतों के बाद भी अंतिम सांस तक लड़ने का दावा ही नहीं किया मुसलमानों ने राम जन्मभूमि का जिस दिन श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे थे उस दिन सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ट्वीट करके यह भी कहा कि मंदिर तो बना लोगे इसे बचाकर कब तक रख पाओगे हम कयामत तक लड़ेंगे तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस भाषा में ये बात करते हैं अभी पीछे के दिनों भी उन्होंने कहा कि कयामत तक मस्जिद रहेगी तो कयामत कल ही आ जाए और वो मस्जिद है नहीं रहने की या न रहने की कोई बात ही नहीं है जो इसका पिछला सर्वे है उस सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट है बस उसको तस्दीक करने के लिए एक बार परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक सर्वे की बात है और हिंदू समाज कम से कम अयोध्या मथुरा काशी के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं कर सकता देश की ऐसे ऐतिहासिक महत्व की धार्मिक महत्व के तीन हजार से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जिसको तोड़ करके मुसलमानों ने मस्जिद बनाए है हमने बार बार कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा यमुना तहजीब की बात करने वालों हिंदू समाज के तीर्थ स्थल और उनके मंदिर जब तक वापस नहीं मिलेंगे शांति हो यह संभव नहीं है और अब पहले वाला हिंदू नहीं है हिंदू जग गया है उसे भी अपने मताधिकार के द्वारा लोकतंत्र में सत्ता पलटना भी आता है जिस धमकी के बूते तुम स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991 बना सकते हो उसी तरीके से हम भी धमकी दे करके उसे रिमूव करा सकते हैं ये हमको भी आ गया है मुख्यमंत्री ने जो कहा है उससे पूरी तरीके से सहमत हैं और इस तरह से बेबाक बयान मुख्यमंत्री ने दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पीछे पूरा संत समाज चट्टान की तरह से खड़ा है वो हमारे धर्म क्षेत्र के प्रतीक है ऐसा नहीं कि इनके पहले कोई सन्यासी राजनेता नहीं हुआ लेकिन इतना बेबाक और अपनी बातों को स्पष्टता से कहने वाला अमेरिका से थोड़ी बहुत कम आबादी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और वो सेना सीआईए के बूते चलती है लेकिन उत्तर प्रदेश अपने पुलिस के लाठी के बूते लैंड ऑर्डर मेंटेन कर लेती है और कानून को कैसे पालन कराना है ये हमें आता है इस्लाम के तिहत्तर फिरकों में से दो बड़े फिरके बरेलवी और देवबंदी ये दोनों का जन्म ही यूपी में हुआ है लेकिन इसके बाद भी इनको आतंकवाद फैलाने की उतनी छूट नहीं मिलती है जिसका श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है